नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज़ टू सक्सेस में। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 2020 को लेकर के जो भी हमने जिस बातें की थी इसके पहले की वीडियोस में, तो वो बातें सही होती हुई साबित हो रही है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसका कारण आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और हाल ही में कल ही आपको पता है कि MP हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, जिसमें याचिका लगाई थी सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी ने। ठीक है, तो उसका डिसीजन क्या आया है, अंतरिम राहत क्या दी है और उसके अगली सुनवाई में क्या होगा, उसके बारे में आपको सबको बता देंगे। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि फिर से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए, इसके बारे में क्या है, सच है या झूठ है, बहुत सारी खबरें चल रही है, न्यूज़पेपर में भी कटिंग चल रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसको फ़ायदा होना है, किसको घाटा होना है, हाईकोर्ट ने साक्षात्कार के बारे में क्या बोला है, आयोग ने साक्षात्कार के बारे में क्या बोला है 2019 के लोगों के लिए, उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर में जो कटिंग चल रही है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या बात बोली जा रही है। तो ये दैनिक भास्कर का है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि MPPSC 2020 में OBC को अभी 14% आरक्षण मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि 27% का आरक्षण मिल रहा था, आपको पता है, तो अब 14% कर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि जो OBC की कैटेगरी में, हालांकि आयोग ने तो 20 गुना लेके रखे, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा लेकर रखे है उसने, तो एक्स्ट्रा जब लेके रखे हैं तो क्या होगा कि OBC से जब 14% आरक्षण हो जाएगा तो काफ़ी लोग OBC वाले बाहर हो जाएंगे, खासकर बाउंड्री वाले। इससे फ़ायदा किसको होगा, इससे फ़ायदा होने वाला है UR, मतलब जनरल कैटेगरी में जिसके नंबर ठीक ठाक थे उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर अंतरिम आदेश जारी करते हुए सरकार को कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% की जगह 14% आरक्षण हो। जस्टिस सिल नागू व जस्टिस MS भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि सरकार MPPSC की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये पालन सुनिश्चित, मतलब जो आदेश दिया गया उसका पालन सुनिश्चित करने का कह दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में समान प्रकरणों में दिए अंतरिम आदेश के तहत ही अंतरिम राहत दी गई है। ठीक है, पूर्व में जो आदेश दिए गए उनके उसके तहत मामले पर अगली सुनवाई 22 जून को होगी, लेकिन 27% वाला जो केस है वो तो क्लियर हो गया कि अब 14% ही दिया जाएगा। तो ग्वालियर के सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने याचिका दायर की थी, बताया कि उसने PSC और स्टेट फॉरेस्ट परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि PSC ने प्रारंभिक परीक्षा की चयन सूची में OBC को 27% का आरक्षण दिया है, जिसका कारण उसका चयन नहीं हो पाया था। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि पूर्व में इसके समान अन्य मामलों में OBC को 14% आरक्षण देने के अंतरिम आदेश दिए गए, इसलिए इस प्रकरण में भी राहत दी जाए। तो उनको राहत दे दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा तो इसके ऊपर देख लेते हैं कि अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि PSC ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की चयन सूची में OBC को 27% आरक्षण का लाभ दिया है। अगले सप्ताह से PSC के साक्षात्कार शुरू होने वाले, तो साक्षात्कार के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि साक्षात्कार जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, 2019 वाले उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी रूमर्स चल रहे हैं इंटरव्यू को लेकर के उसे छोड़ दीजिए, आप लोग इंटरव्यू की भी तैयारी थोड़ी थोड़ी चलाइए। हालांकि आपको पता है कि 19 जून को प्रीलिम्स भी है, कुछ लोगों का फॉरेस्ट का मेंस भी है। ठीक है, और अभी ये जो अभी हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है उसमें फिर ये हो सकता है कि ये देख लेते पहले लास्ट लाइन, ऐसे में इस आदेश के बाद PSC को प्री और मेंस की रिवाइज सूची जारी करनी होगी। 2020 की बात कर रहा है और 2019 में भी सेम केस ही है। ठीक है, तो आप लोगों से ये बोला गया था कि जो लोग 2019 वाले हैं 2020 वाले सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सब एक स्टूडेंट के लिए खड़ा होगा, हर व्यक्ति अगर स्टूडेंट के लिए खड़े होंगे, किसी एक दूसरे के खिलाफ ना खड़े होंगे, तभी यूनिटी बनेगी। यूनिटी बनेगी तो आप अपनी मांग अच्छे से रख पाएंगे, आयोग आपकी सुनेगा। ठीक है, अगर आप अपना स्वार्थ देखेंगे कि 19 वाले अपना स्वार्थ देख रहे हैं, 20 वाले अपना स्वार्थ देख रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए वो लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं काम को। ठीक है, कुछ लोग चाह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट आ जाए, वो लोग बैठे हुए कि यार मेरा तो बाउंड्री पे है, मेरा निकल जाए तो 2019 वालों का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, वो लोग को रोक दो तो मेरा हो जाएगा, तो फिर अपन साथ में करवा लो, प्री और मेंस फिर से करवा लो, ऐसे कई लोग सोचे। ऐसी सोच ना बनाए, एक यूनिफॉर्म सोच होना चाहिए कि स्टूडेंट के खिलाफ जो भी काम हो रहा है, चाहे वो समय की बर्बादी हो, ठीक है, या पेपर आपको पता है कि कई बार शिफ्ट कर दिया जाता है, रिजल्ट नहीं आता है सही से, या फिर जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 5 से 10 क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं, या फिर गलत ही उत्तर दिया जाता है, 2 ऑप्शन सही होते हैं, हमेशा ये 14% से 27% करके जबरदस्ती समय बर्बाद किया जाता है, जो पॉसिबल नहीं है, संवैधानिक रूप से पॉसिबल है नहीं। आपको पता है इंदिरा साहनी के इस 1992 का जो
निर्णय आया था उसमें आपको पता है कि 50% 51% से एक्सीड नहीं कर सकती लिमिट, फिर जबरदस्ती ये सिर्फ एक आपको ये निर्णय लिया गया है, ये आपको पता है ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सभी को स्टूडेंट के लिए खड़ा होना चाहिए ठीक है। स्टूडेंट हमारी कुछ और मांगे नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का फेवर में ही होना चाहिए हमेशा। आप लोगों के लिए ही हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। मैं किसी की भी पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट के पक्ष में बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट का हमेशा फ़ायदा हो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। आपको पता है एज चली जाती है ठीक है, एज रिलैक्सेशन तो मिलता नहीं है। COVID-19 के कारण 3 साल कई लोगों के बर्बाद हो गए, कई लोगों की आर्मी की भर्ती नहीं हो रही है, कई लोग पुलिस की प्रॉपर तरीके से भर्ती नहीं हो पा रही है, कई लोगों का टीचर में टीचर का पेपर लीक हो गया है। तो अभी आपको पता है कि टीचर के जो पेपर हुए उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद कई लोग भर्ती नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे समय किसका बर्बाद हो रहा है? स्टूडेंट का ना। तो स्टूडेंट का सब समय बर्बाद हो रहा है। तो ये जो क्रूशियल स्टेज में, जैसे मान लीजिए कि 25 से लेकर 30 की एज में अगर ये स्टूडेंट है तो ये अगर सर्विस में होता तो कितना योगदान दे सकता था इकोनॉमी को लेकर के, प्रदेश की और देश की। लेकिन वो ना हो करके क्या किया जा रहा है कि इसका एज बर्बाद किया जा रहा है। तो ये एज बर्बाद करेंगे तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये फिर किसी नॉर्मल कोई छोटा सा बिजनेस खोल लेगा छोटा। वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा नहीं होगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ना। लेकिन ये जो 25 से 30 साल वाले युवा है इसके बारे में तो बहुत मैं दुखी हूँ, आहत हूँ। मैं सिर्फ आप लोग के सपोर्ट में बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को इससे हो सकता है मेरी अगर शब्दों से किसी को कुछ ठेस पहुँच रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा एक ही हमेशा से सोचना रहा है कि स्टूडेंट के साथ कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए। आप लोग को हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए कि ना तो किसी प्रकार के रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी का ऐसी सोच मत रखिए। आप स्टूडेंट को लेकर के बात कीजिए कि चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो चाहे अनरिजर्व का हो, सभी को फ़ायदा होना चाहिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो आपको खोखले वादे किए जाते हैं वो खोखले वादे ना किए जाए, क्योंकि आपको पता है वो सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए किए जाते हैं ठीक है। ऐसे वादे सिर्फ धोखा देने के लिए ही होते हैं, जिसका आपको पता है संवैधानिक तौर पर कोई उसका औचित्य ही नहीं है। ऐसे वादे इसलिए किए जाते हैं समय बर्बाद करने के लिए। 2023 तक गाड़ी खींची जाएगी किसी भी तरीके से, आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसके पहले काम हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2023 तक आप सोचिए। 2017 में पटवारी का पेपर हुआ था, उसके बाद से कोई खास पेपर नहीं आया। फिर उसके बाद आपका जो टीचर का पेपर आया, पुलिस का पेपर आया, तो उसमें भी धांधली नजर आई। MPPSC का तो आपको पता है यूनिवर्सल है ये, तो MPPSC में तो क्वेश्चन गलत ना हो तो फिर उसको तो बुरा लग जाएगा नहीं, उसको तो नींद नहीं आएगी अगर क्वेश्चन गलत ना हो तो। 5 से 10 क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। CSET में तो उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इस बार, 83 क्वेश्चन, मतलब 17 क्वेश्चन गलत किए थे उन्होंने। गलत नहीं किए मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन क्यों डाले जो चीज़ नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं, जबरदस्ती क्यों डाले? तो ये सब चीज़ें होती है। मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, स्टूडेंट को जागरूक करना है अपने को, अपनी मांग रखिए। मेरा कहना मतलब ये, आप अपना हक लेना सीखिए, आप अपनी बात रखना सीखिए। आप अपनी बात अभी से नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी ठीक है। अब जैसे 2 मई का जो अभियान था उसमें भी काफ़ी लोग पहुँचे, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ लोगों की अपनी थोड़ी सी बेवकूफ़ी बोल दे या स्वार्थ के कारण थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे हो गया। लेकिन फिर भी PSC ने बोला है कि हम किसी का अहित नहीं करेंगे। PSC ने ये बोला है कि हम किसी का अहित नहीं करेंगे, इसका अर्थ यही है ना तो कोई बाहर होने वाला है, लेकिन हाँ कुछ लोग बहुत अंदर हो जाएंगे, उनका पेपर करवाया जाएगा और जो प्रोसेस है इंटरव्यू की वो निश्चित तौर पर जल्दी होने वाली है। तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव कभी ना सोचे, किसी के लिए भी नहीं सोचना है, चाहे अपना भाई हो, बहन हो, दोस्त हो या आपका दोस्त नहीं भी हो, तो उसके बारे में अहित नहीं सोचना है, स्वार्थी नहीं बनना है। आप अपने लिए सोच सकते हैं लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है ठीक है। अब वहीं बात कर ली जाए साक्षात्कार भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर के। 1918 अभ्यर्थी पहुँचे थे आयोग, आपको पता है इंदौर 2 मई के दिन का अभियान था, इसके ऊपर अपन ने वीडियो भी डाला था। तो काफ़ी लोग पहुँचे थे और उप सचिव जो है इनकी राखी सहाय और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉक्टर रविंद्र पंच भाई को ज्ञापन सौंप दिया है और 2-3 दिन में उनकी पूरी प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण देने की बात कही है। और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि जल्दी हम इसके ऊपर स्पष्टीकरण जारी करेंगे ठीक है। और निरस्त करने की ऐसी कोई बात की भी नहीं गई थी रिट में, ऐसा कहा गया है इनके द्वारा। और साक्षात्कार शीघ्र होना चाहिए जो कि 2015 के नियम के आधार पर होना चाहिए ठीक। इसके बारे में अपन देख ही चुके हैं, MPPSC में OBC को अभी 14% का आरक्षण मिलेगा, सीधा ये बात क्लियर हो चुकी है, 27% की जगह 14% का आरक्षण मिलेगा ठीक है।
और अब प्रूफ की बात कर लेते हैं कि जितनी भी कटिंग चल रही है वो उसका सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, सिर्फ पेपर की कटिंग के आधार पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता। तो आपको पता है कि हाई कोर्ट, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है जबलपुर की, उसके द्वारा रिट पिटिशन जो भी WP नंबर 6346 ऑफ 2022 के ऊपर यह आदेश पारित किया गया, ठीक है। श्री आदित्य सांगी जो कि वहाँ के जो सत्येन सिंह भदौरिया जी थे उनके वकील थे, ठीक है, पिटिशनर थे। रामेश्वर ठाकुर लर्न्ड काउंसिल फॉर द एक्सिवेटर, श्री विनायक प्रसाद साहब विथ श्री उदय कुमार लर्न्ड काउंसिल फॉर द इंटरवेनर, ठीक है। तो इसको आप अंदर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो बातें कही गई है वो उसको आप सार निकाल सकते हैं। उसके बारे में कहा गया है सीधा, उसके बारे में कहा गया है कि 14% के आरक्षण की ही बात की गई, ठीक है, और रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए बात की गई है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये आपको कीज़ टू सक्सेस ग्रुप में मिल जाएगी, चैनल का नाम है, आप कीज़ टू सक्सेस चैनल का नाम डालेंगे टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दीजिएगा, प्लेलिस्ट चल रही है अपनी, ठीक है।